गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल माओ लाइफ। कैसे हैं आप सब? होपफुली अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइस, आज है नवरात्रि, तो मैंने यहाँ पर एक लुक क्रिएट करा है, ग्रे कलर की साड़ी विथ ब्लैक ब्लाउज एंड आई मेकअप। मैंने ग्रे एंड ब्लैक क्रिएट करा है विथ रेड लिप्स। आई मेकअप भी बहुत इजी है, आप आसानी से इसे क्रिएट कर सकते हैं एंड आप इस लुक को आराम से डांडिया नाइट में भी वियर करके जा सकते, पूजा के लिए भी इसे क्रिएट कर सकते हैं। सो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हैप्पी नवरात्रि आप सभी को। 9 दिन आपकी नवरात्रि के बहुत अच्छे से निकले, माता की कृपा आप सब पे बनी रहे। तो चलिए मेकअप स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं अपना स्किन केयर करूँगी, अपनी स्किन को प्रेप करूँगी। तो मैंने यहाँ पर टोनर यूज़ करा है, गुड वाइब्स का रोज़ हिप टोनर है ये। ये स्किन को हाइड्रेट करता है, इसके बारे में मैंने पहले भी बहुत बार बताया हुआ है। तो देन उसके बाद मैं सीरम यूज़ करूँगी, ये भी गुड वाइब्स का ही सीरम है, रोज़ हिप सीरम, ये भी काफ़ी अच्छा सीरम है। सीरम के बाद मैं अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ करूँगी। तो यहाँ पर मैंने निविया का मॉइस्चराइज़र यूज़ करा है, काफ़ी लाइट है ये। मेरी स्किन ऑयली है, कभी कभी कॉम्बिनेशन भी हो जाती है, बट ये मेरी स्किन पर काफ़ी लाइट रहता है, ऑयल सिक्रेशन नहीं होता है, तो मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। काफ़ी अच्छा सीरम, काफ़ी अच्छी क्रीम है ये, सॉरी सीरम नहीं, क्रीम। एंड देन उसके बाद मैंने लिप बाम यूज़ करा है, मेबेलिन का लिप बाम है ये, लिप्स को मॉइस्चराइज़ करने के लिए। देन उसके बाद अब मैं यहाँ पर इनसाइट का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ, इसको अच्छे से अपनी स्किन पे लगा दूँगी एंड जो मेरे पोर्स है वो मिनिमाइज़ हो जाएंगे इसे लगाने से। काफ़ी अच्छा है ये, मैं दो चार बार इसे यूज़ कर चुकी हूँ, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये प्राइमर। तो मैं आपको रिकमेंड करती हूँ, अगर आप चाहो तो अफोर्डेबल है तो यूज़ कर सकते हो इसे। देन उसके बाद मैं यहाँ पर मेबेलिन फिट मी का फाउंडेशन ले रही हूँ एंड उसे मैं डॉट डॉट करके पूरी स्किन पर लगा लूँगी। मेरा शेड 128 है, काफ़ी अच्छे से मेरे स्किन में मैच हो जाता है ये। यहाँ पर टोनर से मैंने ब्यूटी ब्लेंडर को थोड़ा सा वेट कर लिया है, वेट ब्यूटी ब्लेंडर ही हमें यूज़ करना चाहिए, ड्राई कभी यूज़ नहीं करना चाहिए। तो उससे मैं ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से सारा जो मेरा फाउंडेशन है उसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी डैप डैप करके एंड नेक पे भी लगाऊंगी। तो नेक पे भी, क्योंकि अगर आप नेक पे नहीं लगाओगे, सिर्फ आपने अगर फेस पे लगाया तो आपका नेक और फेस दोनों अलग अलग दिखेंगे। तो फाउंडेशन को नेक पर भी लगाएं और अच्छे से ब्लेंड करें। एंड तो आप लोग बताइए कि कौन कौन नवरात्रि में फास्ट रखते हैं। मेरा तो फास्ट रहता है, मैं 9 दिन पूरे फास्ट रखती हूँ, लाइक एक टाइम खाना खाती हूँ, बाकी फलिहार लेती हूँ, तो ऐसा करती हूँ मैं। तो कौन कौन करता है ज़रूर बताएं मुझे कमेंट करके। फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड करने के बाद फिर मैं कंसीलर लगाऊंगी एंड ये स्विस ब्यूटी का कंसीलर है, काफ़ी अच्छा कंसीलर है। यहाँ पर मैं मेरी जो नीज़ है मिक्कू, वो आई थी, उससे बात कर रही थी, वो मुझे बार बार बोलते थे कि मेरा भी मेकअप कर दो, मेरा भी मेकअप कर दो। तो मैं वही उससे बात कर रही थी कि अभी छोटी है तू मेकअप नहीं कर सकती, तो बैठी थी वो देख रही थी। एंड कंसीलर को भी मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, ध्यान रखें कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड करना रहता है, नहीं तो वो क्रीज़ हो जाता है, जहाँ पर डार्क सर्कल्स डार्क स्पॉट्स वगैरह है वहाँ पर कंसीलर को लगाऊँगी। एंड देन उसके बाद अब मैं यहाँ पर कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रही हूँ, ये फिट मी का कॉम्पैक्ट पाउडर है, अपने स्किन अच्छे से फेस पे नेक पे सब जगह लगा लूँगी, क्योंकि सेट करना ज़रूरी है, बिकॉज हमने कंसीलर यूज़ करा है तो वो क्रीज कर जाता है अगर आप फेस को सेट नहीं करेंगे तो। तो बस वही करा है मैंने। देन यहाँ पर फिर मैंने स्विस ब्यूटी की आई शेडो पैलेट में से ये लाइट ब्राउन शेड लिया है एंड इसे अच्छे से क्रीज पर ब्लेंड करूँगी मैं अपनी आईज़ की क्रीज पर। देन उसके बाद मैं ये ब्लैक शेड लूँगी एंड इस ब्लैक शेड को मैं आउटर कॉर्नर पर लगाऊँगी, बिकॉज हमें थोड़ा सा ग्रेइश एंड थोड़ा सा ब्लैक आई लुक देना है इस वजह से, तो उसे भी मैं अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी आउटर कॉर्नर पे लगा के। देन उसके बाद क्रीज पे ले जाते हुए अच्छे से उसे ब्लेंड कर दूँगी। याद रखें फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड करना है, सॉरी आई शेडो को अच्छे से ब्लेंड करना है। देन उसके बाद मेकअप रेवोल्यूशन की जो ये पैलेट है इसमें से मैं ये ग्रे शेड लूँगी एंड इसे मैं अपने आईज़ पर लगा लूँगी, जो आईज़ की लिड है उस पर, तब तक लगाऊँगी जब तक मुझे अच्छे से डिज़ायर कलर नहीं मिल जाता। देन उसके बाद एक बार और फिर से मैं इसको ब्लेंड कर दूँगी ताकि सब कुछ अच्छे से ब्लेंड हो जाए। तो बस ये आई मेकअप था, तो हमारा कंप्लीट हो गया है आई मेकअप।
एंड कल का मैं सोच रही हूँ कि ब्लॉग बनाऊँ नवरात्रि का, तो देखते हैं कि हो पाता है कि नहीं हो पाता, कल मंदिर भी जाना है। मैबेलिन का आईलाइनर लूँगी, लिक्विड आईलाइनर है ये, इसे अच्छे से लगा लूँगी, ज़्यादा विंग क्रिएट नहीं करूँगी, बस हल्का सा एक विंग बनाऊँगी, दैट्स इट। आपको मेरी वॉइस थोड़ी सी ऐसी लग रही होगी बिकॉज मुझे हल्की सी सर्दी है, थोड़ा सा ज़ुकाम है, तो इस वजह से थोड़ी वॉइस चेंज होगी। इस तरह से देखिए यहाँ पर मैं ये विंग निकाल रही हूँ, तो बस ये देन उसके बाद मैं मस्कारा यूज़ करूँगी, एंड मस्कारा के लिए मैं मैबेलिन का ही मस्कारा यूज़ करूँगी। मैबेलिन का कॉलोसल मस्कारा है, वो वाटरप्रूफ है, तो अगर अगर आप चाहो तो इसका जो दूसरा वाला है वो भी यूज़ कर सकते हो, मैं यहाँ पे वाटरप्रूफ यूज़ कर रही हूँ। तो इसके 4-5 कोड अच्छे से मैं अपने आई लेशेस पर लगा लूँगी, अपर एंड लोअर दोनों लेशेस पर लगाऊँगी। बाय द वे मैं काफ़ी लेट हो गई हूँ ये वीडियो डालने में, बिकॉज मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था वीडियो शूट करने का, बट फिर भी मैंने ट्राई करा। एंड वैसे तो ये वीडियो मैंने उदयपुर में ही शूट कर ली थी पहले से ही, बट इसको एडिट नहीं कर पा रही थी मैं, तो मुझे अब टाइम मिला उसको एडिट करने का, तो बस मैंने इसको एडिट करके देन डाल दिया। अब जो भी यहाँ पर एक्सेस पाउडर जो फॉल आउट हुआ था वो मैं अपने कॉम्पैक्ट से इसको रिमूव कर दूँगी, देन वही जो फर्स्ट लाइट शेड मैंने ब्राउन शेड जो लिया था वो मैं वाटर लाइन पर इस तरह से लगा लूँगी, स्मच कर दूँगी, ताकि जो लुक है वो अच्छा लगे, थोड़ा सा आईज जो है वो पॉपअप हो जाए। एंड यहाँ पर ये काजल यूज़ कर रही हूँ मैं, न्यूट काजल है ये, तो ये लगा रही हूँ। देन यहाँ पर ये स्विस ब्यूटी का आई पैलेट है, तो इसी से मैं कॉन्टोरिंग भी कर लूँगी, ब्लश भी लगा लूँगी, सब कुछ इससे कर लूँगी, मतलब ये ऑल इन वन है, इसका एक बस ये पैलेट आप अगर ले लें तो आपका काम हो जाएगा, मतलब आपको दूसरी पैलेट वगैरह लेने की कोई ज़रूरत नहीं अगर आप न्यू हैं मेकअप में। तो यहाँ पर मैं कॉन्टोरिंग कर लूँगी चीक्स पर, जो लाइन पर, फॉरहेड पर अच्छे से, इससे एक डिफाइन लुक मिल जाता है। अगर आप कोई हेवी मेकअप कर रहे हैं तो कॉन्टोरिंग ज़रूर करें, बाकी डेली बेसिस पे कोई ज़रूरी नहीं है कॉन्टोरिंग करना, बट अगर आप कभी कोई हेवी मेकअप कर रहे हैं पूजा के लिए या कोई पार्टी मेकअप, तो उसमें कॉन्टोरिंग करेंगे तो आपको एक आपका जो फेस का लुक है वो थोड़ा सा अच्छा डिफाइन होकर आएगा। देन यहाँ पर अब मैं ब्लश यूज़ कर रही हूँ, अच्छे से अपने चीक्स पर, अपनी थोड़ी सी नोज़ पर ब्लश लगा लूँगी, तो नोज़ पर लगाने से थोड़ा अच्छा लगता है, वो थोड़ा सा एक टिंट आ जाता है पिंक पिंक सा, तो बस नोज़ पे चिक्स पे लगा लिया मैंने ब्लश। देन उसके बाद यहाँ पर अब मैं मैबेलिन की ही रेड शेड जो है लिपस्टिक वो लगा रही हूँ, इसका शेड है सिरेन, सिरेन करके शेड है, आई थिंक वही है। लिपस्टिक लगाने के बाद फिर मैं अपनी आईब्रोज़ को फिल करूँगी, बिकॉज मैं अपनी आईब्रोज़ को फिल करना भूल गई थी, फिर मुझे याद आया कि मुझे अपनी आईब्रोज़ को भी फिल करना है, तो मैं मिस क्लेयर का आईब्रो पेंसिल यूज़ कर रही हूँ अपनी आईब्रोज़ को फिल करने के लिए, इनसे कॉम्ब भी कर दूँगी ताकि वो अच्छे से डिफाइन लुक दे मुझे। एंड उसके बाद जो थोड़ा बहुत एक्सेस बाहर निकल जाता है या कुछ भी रहता है उसको मैं कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट कर दूँगी, थोड़ा सा क्लीन कर दूँगी तो अच्छा लगेगा। देन उसके बाद ये स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर है, हाइलाइटर नहीं है ये आई शेडो, सिंगल आई शेडो है, तो मैं इसको एज अ हाइलाइटर ही यूज़ करती हूँ, उसी के लिए मैंने इसको लिया है। शैम्पियन शेड है ये, इसे मैं अपने चीक बोन्स पे जहाँ जहाँ भी हाईलाइटिंग पॉइंट्स है वहाँ पर लगा लूँगी, टिप ऑफ द नोज़, फॉरहेड पे, क्यूपिड बो पे, ज़रा सा हल्का सा चिन पे भी लगाऊँगी, एंड उसके बाद मैं आईज़ पर भी से लगाऊँगी, एंड आईज़ की इनर कॉर्नर पर भी लगाऊँगी। तो बस दैट्स इट, ये था मेरा मेकअप लुक, एंड लास्ट में स्विस ब्यूटी का ये मेकअप फिक्सर है, इसको मैं स्प्रे करके फेस पे देन ब्यूटी ब्लेंडर से डैप डैप कर दूंगी, तो जो भी एक्सेस पाउडर वगैरह रहेगा वो रिमूव हो जाएगा। एंड यहाँ पर मैंने छोटी सी बिंदी लगा ली है, एंड मेरा लुक कंप्लीट हो गया है। सो
आप देख सकते हैं। अब बस मैं इयररिंग पहन लूँगी। ये इयररिंग्स जो है वो मैंने मीशो से एक नेकलेस परचेज़ किया था, पूरा सेट आया था वो, तो उसी के है। नेकलेस नहीं पहना है मैंने बिकॉज़ काफ़ी हैवी इयररिंग्स है तो इस वजह से, एंड रिंग डाल दी है एक। यहाँ पर जूड़ा बनाऊंगी मैं आपको, जूड़े में भी और ओपन हेयर्स में, दोनों में अपना लुक बताऊंगी आपको। जैसा अगर पसंद आया वैसा क्रिएट कर सकते हो। अगर आप चाहो तो जूड़ा भी बना सकते हो, अगर आप चाहो तो अपने हेयर्स ओपन भी रख सकते हैं। जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हो। तो यहाँ पर मेरा लुक कम्प्लीट हो गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं अपने हेयर्स को ओपन करूँगी एंड उसमें फिर आपको बताऊँगी लुक कैसा लग रहा है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल बटन, तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।